लास्ट टाइम हम लोगों ने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज फोर स्टेप्स की हेल्प से हमने डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट क्वेश्चंस के हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे. ऐसे ही है, उसमें एक हमने क्वेश्चन किया था एक्स रेस टू पावर एम. एक्स रेस टू पावर एम के ऊपर जब हमने फोर स्टेप्स अप्लाई किए तो उस वक्त उसका आंसर हमने निकाला था एम एक्स रेस टू पावर एम माइनस वन. और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि अभी हम स्टार्ट करने लगे इसमें इस फार्मूला को एज पावर रूल हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब पावर रूल के लिए फार्मूला क्या है भाई? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. अब इससे पहले कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें इस फार्मूला की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके साथ यूज टू हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास भाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर टेन. तो इस फार्मूला को इसके ऊपर अप्लाई करें, क्या वैल्यू बनेगी? टेन एक्स पावर टेन माइनस वन, और टेन माइनस वन टोटल डिफरेंस कितना हुआ भाई? नाइन. अच्छा, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर फॉर एग्जाम्पल 50, तो क्या वैल्यू बनेगी? 50 एक्स रेज टू पावर 50 माइनस वन, यानी 50 एक्स रेज टू पावर 49. अच्छा, जरूरी नहीं कि पावर हर दफा पॉजिटिव आए भाई, इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं होगा, पावर नेगेटिव भी हो सकती है. लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस टेन, सेम यही फार्मूला अप्लाई करें. मतलब इसमें आप एन की जगह पे कितना पुट करने जा रहे हैं? माइनस टेन. तो क्या आपके पास फाइनल फॉर्म बनेगी? माइनस टेन एक्स रेज टू पावर माइनस टेन माइनस वन, ये बना माइनस टेन एक्स रेज टू पावर माइनस इलेवन. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 301 फॉर एग्जाम्पल, क्या वैल्यू बनेगी जी? माइनस 301 एक्स रेज टू पावर माइनस 301 एंड माइनस वन, ये बना माइनस 301 एक्स रेज टू पावर माइनस 302. यहां तक बात क्लियर? एक चीज हमने लास्ट एक्सरसाइज में यह भी प्रूव किया था कि कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव क्योंकि होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. डेरिवेटिव हमने स्टेप्स फोर स्टेप्स की हेल्प से कैसे निकाला था? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, ये ऊपर हमारे पास है, ये बेसिकली किसी भी फंक्शन के अंदर चेंज है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. ऐसे ही है भाई, क्या आप उसमें एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू पहले है फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक्स और आफ्टर सम टाइम इट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ ऑफ एक्स में ये जो चेंज आ रहा है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. अगर तो हमारे पास नंबर हो ही कॉन्स्टेंट, क्या हो भाई? तो किसी भी कॉन्स्टेंट में चेंज होगा ही नहीं. कॉन्स्टेंट की वैल्यू 10 है तो थोड़ी देर बाद भी वो 10 ही रहेगी. ठीक है, तो कॉन्स्टेंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होता है? जीरो. हमने लास्ट एक्सरसाइज में इसमें प्रूव किया था, तो अभी यहां पर लिख रहे हैं कि वैसे ही अगर हमारे पास आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ एनी रियल नंबर एनी कॉन्स्टेंट नंबर तो वो क्या होगा? जीरो. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस में किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चंस में लिखा होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस टेन प्लस 100 फॉर एग्जाम्पल. तो एक्स रेज टू पावर माइनस टेन, इस पर तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे माइनस टेन स्टार्ट में, एक्स रेज टू पावर माइनस टेन और माइनस वन, और अकेला जो 100 आ रहा है उसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई? जीरो. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट चाहे वो 100 है चाहे 1 मिलियन है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो. क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. जब उसमें चेंज ही नहीं होना देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेट ऑफ चेंज. ठीक है, तो इसलिए उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया? जीरो. माइनस टेन एक्स रेज टू पावर माइनस 11. यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अच्छा पावर्स हमारे पास अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको कैसे डील करते हैं वो देखते हैं. अहमद ये इसको रेज कर दो. इतनी देर में एक जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 31 जल्दी से. हाँ भाई, एक्स रेज टू पावर 31 किया किसी ने सॉल्व? क्या आंसर आया भाई?
31 एक्स रेज टू पावर 30, सही है। अच्छा, अगर हमारे पास पावर्स आ जाती है फ्रैक्शन में, फार्मूला यहां पे क्या था भाई? फार्मूला है पावर रूल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अच्छा जी, अब हमारे पास अभी कोई फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 1/2, सेम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, क्या वैल्यू बनेगी जी? 1/2 स्टार्ट में, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस वन। अब 1/2 माइनस वन, ये नंबर्स की तरह आसान नहीं है कि जैसे 5 माइनस वन था 4 ही बता दिया 4, माइनस 5 माइनस वन था तो वो भी आपने 4 ही कैलकुलेट कर लिया माइनस 6। अब ये फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को आप रफ वर्क में साइड पे सॉल्व कर लें, क्वेश्चन को आपने मैसी नहीं बनाना, क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। 1/2 माइनस वन, इसको आप 1/1 लिख लें, 2 एलसीएम, हाँ जी, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 माइनस 2 कितना आया? अच्छा, ये जो पावर 1/2 है, ये फ्रीक्वेंटली हम इसे यूज कर रहे होंगे, बार बार यूज कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो 1/2 माइनस 1 है, तो फॉर द नेक्स्ट टाइम याद रखें कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? माइनस 1/2। तो आर एट 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, यहां तक बात क्लियर? ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2, क्या वैल्यू बनेगी जी? 3/2 स्टार्ट में, एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। अब ये 3/2 माइनस 1 है, इसको साइड पे रफ वर्क में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 माइनस 1, 1/1 2 एलसीएम, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 और 2 कितना डिफरेंस हुआ? 1, डिनोमिनेटर 2, इसका आंसर बना 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2। बोले यहां तक बात क्लियर है अभी? अच्छा, अगर पावर कोई नेगेटिव फ्रैक्शन आ जाती है, लेट्स ट्राई डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, तो इस पे सेम फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप अभी यूज टू नहीं है फार्मूला से, तो आप बेशक अपनी आसानी के लिए इधर ऊपर लिख लें, एक्स रेज टू पावर एन, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, और एन की जगह पे क्या इसमें पुट करने जा रहे हैं? माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 स्टार्ट में, ठीक है, एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 एंड अनदर माइनस 1। अब माइनस 1/2 और माइनस 1, इसका डिफरेंस एलसीएम से हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1/2 एंड माइनस 1, 2 एलसीएम बेटा जी, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 कितना हुआ? माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, दरमियान में साइन माइनस, तो टोटल हुआ माइनस 3/2, तो ये वैल्यू बनी माइनस 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2। हाँ जी, यहां तक देखें बात क्लियर है? थोड़ा सा इसको सम अप कर लें, कोई भी पॉजिटिव पावर है तो फौरी तौर पे पावर को शुरू में लेके आए, उसकी एक्स की पावर एक प्लस कर, ठीक है। पावर नेगेटिव है, सेम रूल, मतलब अगर एक्स रेज टू पावर माइनस 3 है तो माइनस 3 स्टार्ट में, एक्स रेज टू पावर माइनस 3 एंड माइनस 1 लिख के करें, मतलब फौरी न्यूटन बनने की जरूरत नहीं कि जल्दी में आप लिख दो माइनस 3 एक्स पावर माइनस 2, गलत कर बैठे, ठीक है। एक दफा लिख के उसे करें माइनस 3 एंड माइनस 1, वो टोटल कितना हुआ? माइनस 4। अब यही अगर एक्स पावर 3 होता तो एक्स पावर 3 के केस में ये क्या बनना था? 3 एक्स पावर 3 माइनस 1 एक्स पावर 2। बोले बात क्लियर है, ठीक है। आपने जब भी ये पावर रूल लगाने, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी बिल्कुल वार्म अप है इसका, तो आपने लाजमी तौर पर एक दफा माइनस 1 उसके साथ लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है भाई कि पावर पॉजिटिव होती है, लेकिन वो ज्यादातर स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक करते हैं, एक क्वेश्चन लिखें जरा जल्दी से, डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा जब भी मैं बोल रहा हूँ ना डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, तो आपने उसके लिए लिखना है डी बाय डी एक्स, कुछ लोग डी वाई बाय डी एक्स लिख बैठते हैं, वाई अभी तक मैंने कहीं भी नहीं लिखा क्वेश्चन, ठीक है। जब भी डेरिवेटिव ऑफ बोल रहे हैं, आपने डी बाय डी एक्स लिख लेना है, ये सुनने में कहीं डी वाई लग रहा होगा, ये बाय है, डी ओवर डी एक्स लिखना, ठीक है। ओके जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन, वेरी गुड अहमद, ठीक है। कैसे अहमद इसका आंसर वन आया? एक्स की पावर जीरो, अगर किसी नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो हो तो उसका आंसर क्या होता है? वन। ये देखें जरा, इसको यहां पे लिख के सॉल्व कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 1, यानी कि सिंपल एक्स, तो 1 स्टार्ट में, एक्स रेज टू पावर 1 एंड माइनस 1,
टोटल कितना हुआ? जीरो। एक नॉन जीरो नंबर की पावर अगर जीरो हो तो आंसर क्या होता है? वन। वन मल्टीप्लाई बाय वन फाइनल आंसर। अब फॉर द नेक्स्ट टाइम थ्रू आउट द चैप्टर कहीं पर भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाता है तो ये वाले बेबी स्टेप्स नहीं करने, इसका आपने डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? वन होगा। एक्स के अलावा कोई एक्स की कोई स्पेसिफिक पावर टू थ्री फाइव टेन ट्वेंटी थर्टी कुछ नेगेटिव आ जाए उसको आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा एक चीज, ये डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स, हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसको रेज करोगे, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स किसी ने सॉल्व किया भाई? डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स, वेरी गुड, माइनस एक्स पावर माइनस टू। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ, इसको देख ले व्हाइट बोर्ड पे, डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स। तो जब भी आपके पास डेरिवेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो, वन बाय एक्स स्क्वायर, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो पहला काम ये होगा कि आप उसको एक स्टेप ऊपर लें। ठीक है। अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये आप में से मोस्टली ने ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है, तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस वन। अब इसमें फार्मूला लगेगा एन एक्स एन माइनस वन, इसमें हम एन की वैल्यू माइनस वन लेंगे। ठीक है। अच्छा, फार्मूले वाले माइनस वन को थोड़ा सा अलग शो करने के लिए फैंसी स्टाइल में लेंगे। ठीक हो गया। अब क्या वैल्यू बनेगी? माइनस वन, ठीक है, एक्स रेज टू पावर माइनस वन, और जो फार्मूला में एक हम माइनस करते हैं वो वाला माइनस। ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या बनी? माइनस वन एक्स रेज टू पावर माइनस टू। क्वेश्चन हमारा वन ओवर एक्स की किसी पॉजिटिव पावर की फॉर्म में है, तो हमारी ख्वाहिश होगी, हमारी कोशिश होगी कि हम आंसर को भी उसी फॉर्म में लिखें। ठीक है। तो अब हमारे ये क्योंकि वन ओवर पॉजिटिव पावर एक्स, इसको भी नीचे ले आए, तो इसको अगर नीचे ले आए तो ये बनेगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्लियर हो गई बात भी? इस वाले को देखें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस टू, सेम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, एन एक्स एन माइनस वन, एन है इस वक्त माइनस टू जो इसमें हमने पुट करना है। जी, माइनस टू स्टार्ट में, एक्स रेज टू पावर माइनस टू साथ में माइनस वन, टोटल कितना हुआ? माइनस थ्री। अब पावर को पॉजिटिव बनाएं क्योंकि क्वेश्चन में पावर हमारी वन ओवर डिनोमिनेटर में एक्स था विद सम पॉजिटिव पावर। ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे माइनस टू ओवर एक्स क्यूब। क्लियर। इस बारे को देखते, इसमें तो स्क्वायर रूट आ गया, काम ही चेंज हो गया भी। तो स्क्वायर रूट को अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो वो पावर फॉर्म में एक्स की पावर क्या बनेगी? वन ओवर टू। यस। तो इसको हम लिख लेंगे ऊपर लाने से पहले डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स पावर वन बाय टू। अब अगर इसको ऊपर ले आए तो अब ये ऊपर आगे क्या बनेगा? जी बेटा, माइनस वन बाय टू। डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर माइनस वन बाय टू, फॉर्मूला अप्लाई करें, माइनस वन बाय टू स्टार्ट में, एक्स पावर माइनस वन बाय टू एंड माइनस वन, माइनस, अब माइनस वन बाय टू माइनस वन, क्योंकि अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है ये काम, तो आप लाजमी तौर पे एलसीएम लें साइड पे। जब तीन चार पांच दस क्वेश्चंस के अंदर आप यूज टू हो जाएंगे फिर आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि वन बाय टू माइनस वन, माइनस वन बाय टू है, वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू है। ठीक है। तो डिफरेंट ये नंबर आपको याद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिलहाल क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है तो इसलिए उसको लिख के कर ले, माइनस वन एंड माइनस टू, टोटल कितना हुआ? माइनस थ्री बाय टू। अब देखिए हमारा क्वेश्चन वन ओवर एक्स पॉजिटिव पावर में है, तो इसको भी पॉजिटिव पावर में लाने के लिए क्या करेंगे? नीचे ले आए, डिवाइड में ले आए, तो नीचे अगर ले आए तो ये बनता है माइनस वन ओवर टू एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू। बोले जी, बात क्लियर? ले, ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट। कल हम लोग इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले फोर एग्जाम्पल्स हैं जो पावर रूल से हम लोगों ने सॉल्व कर ली। एक दफा बेशक आप लोग घर में उसको ट्राई करें जो फोर एग्जाम्पल्स लिखी हुई है इसमें, ठीक है, लेकिन कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ये जो चारों एग्जाम्पल्स हैं कल के दिन वो चारों एग्जाम्पल्स करेंगे जो पावर रूल से सॉल्व होती है। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर। चलें, क्लास डिसमिस्ड।